बिजनौर खबर टीवी में आपका स्वागत है। बिजनौर में बुखार में तप रही बीमार मुस्लिम लड़की पर होली वाले दिन डाला था हुड़दंगियों ने जबरदस्ती रंग। पुलिस ने दिया था इस मामले में कार्रवाई का आश्वासन, लेकिन नहीं हुई अभी तक एक भी इंसान की गिरफ्तारी। सभी आरोपी घूम रहे हैं खुलेआम। दरअसल आपको बता दें कि बिजनौर के धामपुर में होली वाले दिन दो जगह मुस्लिम महिलाओं पर जबरदस्ती रंग डाला गया था। पहली घटना में हुड़दंगियों ने दवाई लेने जा रही रोजेदार मुस्लिम फैमिली को जबरदस्ती बीच बाजार में रोककर चारों तरफ से घेरकर रंग डाला था। मुस्लिम महिला ने बोला, मेरा रोजा है, लेकिन फिर भी हुड़दंगियों ने उनके सर के ऊपर रंग से भरा पानी डाल दिया और उसके भाई और माँ को भी पूरी तरह रंग में नहला दिया। इस मामले में भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने भी आवाज उठाई। चंद्रशेखर आजाद ने मुस्लिम महिला के भाई दिलशाद के पास वीडियो कॉल करके आश्वासन दिया। उन्होंने कहा, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लो, सभी आरोपियों को भिजवाऊंगा जेल। बिजनौर पुलिस ने इस मामले में दो लोगों को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। बता दें कि दूसरी घटना भी धामपुर की है, जहां पर दूसरे हुड़दंगियों ने अपनी मां के साथ दवाई लेने जा रही मासूम लड़की पर डाला जबरदस्ती पानी वाला रंग। बता दें कि ये मुस्लिम मासूम लड़की बुखार में बुरी तरह तप रही थी। लड़की की मां ने हुड़दंगियों के आगे हाथ भी जोड़े थे। मां ने बोला था, लड़की बहुत ज्यादा बीमार है, हाथ में कैनूला लगी हुई है, पानी से बुखार भर जाएगा, जिस कारण लड़की की मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन हुड़दंगियों ने मां की एक बात ना सुनी और बुखार में तप रही उनकी लड़की पर डाल दिया रंग से भरा हुआ ठंडा पानी। इस मामले में भी बिजनौर पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया था, लेकिन अफसोस अभी नहीं पकड़ा गया इस मामले में एक भी आरोपी। सभी घूम रहे हैं खुलेआम। सभी लोग खबर को इतना ज्यादा शेयर करें ताकि बुखार वाली लड़की के मामले में भी बिजनौर पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करे। आप लोगों के एक शेयर से मिल जाएगा इस मासूम मुस्लिम लड़की को इंसाफ। शेयर करने में नहीं लगते आपके पैसे। और चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो करें। और देखिए पहली घटना जो बाजार में रोजेदार फैमिली के साथ घटी थी, उस मामले में चंद्रशेखर आजाद ने दिलशाद से वीडियो कॉलिंग पर क्या कहा है। मैंने सुबह आपके एसएसपी से बात करके डीआईजी आईजी सबसे बात की थी, उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया था कि हम वीडियो के आधार पे देख के सब लोगों को चिन्हित कर रहे हैं। देखो ये जिन लोगों ने अपराध किया उनको सजा मिलेगी, जब तक चंद्रशेखर आजाद है आप घबराना मत मेरे भाई। बिल्कुल भाई, बिल्कुल बहुत अच्छी बात, ठीक है, ठीक, बिल्कुल मत घबराना, ठीक है, कोई भी बात हो तो एक मिनट में फोन कर देना, और जब तक हम हैं तब तक बिल्कुल परेशान मत होना भाई।